नमस्कार दोस्तों, दी हेल्दी टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूरी दुनिया भर में बहुत से लोग हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से परेशान हैं। कोलेस्ट्रॉल लीवर द्वारा प्रोड्यूस किया गया एक मोमी पदार्थ होता है, जो शरीर के कार्य करने के लिए बेहद आवश्यक होता है। अगर शरीर में बहुत सारा लिपिड हो तो शरीर सभी लिपिड का उपयोग नहीं कर पाता है। एक्स्ट्रा लिपिड के कारण ब्लड वेसल्स मोटी होने लगती हैं, ब्लड सर्कुलेशन में बहुत अधिक कोलेस्ट्रॉल हृदय रोग, स्ट्रोक और डायबिटीज जैसे अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बनती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हाई कोलेस्ट्रॉल के कुछ विशेष संकेतों को बताऊंगा, जिसके पता लगते ही आप इसकी जांच कराकर खुद को जानलेवा बीमारियों से बचा सकें। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का सबसे पहला संकेत है सीने में दर्द होना। सीने में दर्द उन व्यक्तियों में हाई कोलेस्ट्रॉल का एक सामान्य लक्षण है जिन्हें कोरोनरी धमनी की बीमारी होती है। धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण सीने में दर्द हो सकता है। नंबर 2, सांस फूलना। सांस फूलने की समस्या हाई कोलेस्ट्रॉल के अलावा अनेक हार्ट संबंधी समस्याओं का सामान्य लक्षण हो सकता है। जब ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है तो यह हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन के कमी के कारण बन सकता है, जिससे सांस संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। नंबर 3, झंझनाहट पैदा होना। हाई कोलेस्ट्रॉल नसों को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे हाथों और पैरों में झुनझुनी पैदा हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होने से ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट होती है, जिससे झंझनाहट होती है। नंबर 4, मल्टीपल जैंथोमास। जैंथोमास फैटी डिपॉजिट होते हैं जो स्किन के नीचे बनते हैं। ये पीले रंग के होते हैं और ये आँखों, कोहनी, घुटने और हाथों पे देखे जा सकते हैं। मल्टीपल जैंथोमास ब्लड में हाई कोलेस्ट्रॉल के लेवल का संकेत हो सकता है। नंबर 5, थकान होना। हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण थकान पैदा हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल मांसपेशियों में ब्लड सर्कुलेशन में कमी का कारण बन सकता है, जिससे थकान हो सकती है। नंबर 6, ब्लड प्रेशर का बढ़ना। हाई कोलेस्ट्रॉल हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है। जब नसों में कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होने लगता है तो वे संकरी हो जाती हैं, जिससे नसों में रुकावट बढ़ती है और उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दोस्तों, इसके अलावा ये ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि हाई कोलेस्ट्रॉल वाले सभी लोग इन लक्षणों का अनुभव नहीं करते हैं, इसलिए बढ़ती उम्र के साथ साथ समय समय पर कोलेस्ट्रॉल की जांच जरूर करवाएं। हाई कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकने के लिए आप अपनी जीवन शैली में बदलाव करें, जैसे स्वस्थ आहार लें और नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कैसे करें, इस पर पूरी वीडियो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसी के साथ आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए वीडियो को क्लोज करता हूं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।